हाय फ्रेंड्स, तो आज हम चलने वाले हैं अजगरा महोत्सव, जो कि यहाँ पे है। उसकी हिस्ट्री मैं आपको बता दूंगा, एक्चुअली वो वहाँ क्यों होता है, और एक्चुअली हर साल जो है यहाँ पे 3 दिनों के लिए मेला लगता है। तो यही कुछ ये सितंबर उतंबर के महीने में लग जाता है। तो दोस्तों चलते हैं मेले के अंदर और देखते हैं हमें क्या कुछ देखने को मिल जाएगा। और वहाँ पे काफी लोग आने वाले हैं, काफी ज्यादा भीड़ होने वाली है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत वॉइस ओवर भी कर सकता हूँ, क्योंकि जो साउंड वगैरह रहता है, जादू उदू वाले आए रहते हैं, तो एक्चुअली वो लोग बोलते रहते हैं ऐसा वैसा वैसा वैसा, सब साउंड चलाए पड़े रहते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ। दोस्तों अगर इस जगह की ऐतिहासिकता की बात करें, तो ऐसा माना जाता है कि ये महाभारत काल से ही इस जगह पे स्थित है। और ये जो सरोवर आपको पीछे दिख रहा है, ये वही जगह है जहाँ पे युधिष्ठिर और यानी पांचों पांडव आए थे पानी पीने के लिए। लोग पानी पीने के लिए आते हैं कि करके चारों बेहोश हो जाते हैं, उसके बाद एटलीस्ट जब युधिष्ठिर जी आते हैं तो इसमें से अच्छ निकलता है जी। और फिर आपने महाभारत और श्री कृष्णा में भी देखा होगा कि उनके कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं युधिष्ठिर, तब जाके सभी लोगों को जीवित करते हैं। और फिर यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा कि वहाँ बोर्ड लगा है, वहाँ सारे क्वेश्चंस जो हैं वो दिखे लिखे हुए हैं, और वहाँ सारे आपको आंसर भी देखने को मिल जाएंगे। और क्या है, फिर तभी से यह कहा जाता है, जब से यहाँ जाना गया है तब से यहाँ पे मेला लगता है। और मुझे तो यहाँ आते हुए 5-6 साल हो गया, यूनो मेरा घर भी इससे कुछ आधा किलोमीटर दूर है, तो मैं आ जाया करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो इस जगह की एक और खास बात है कि यहाँ पे देखिए ये लिखा गया है संग्रहालय, यानी यहाँ पे जो सारी चीजें खुदाई हुई थी और जो सब कुछ मिला था वो यहाँ पे संग्रहित करके रखा गया है। तो अभी मैं अंदर चलता हूँ, फिलहाल 1 मिनट रुक जाइए। तो फ्रेंड्स यहाँ कुछ देख सकते हैं सैंपल यहाँ दिया गया है, मिश्रित पॉलिश वाले Whatever here are, you can see, this is. ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पे खुदाई करके मिली हुई हैं, you can see here now. और ये कुछ स्मृतियां, whatever the programs has been held already here, तो वो सब यहाँ पे चिपकाया गया है। और फिर इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो कि हैं स्वर्गीय राजा राम पांडे जी, जिन्होंने इस जगह का पूरा पुनर्निर्माण कराया। और फिर इन्हीं की वजह से यहाँ पे मेले का आयोजन हुआ होता है, और इन्होंने मंदिर उन्दिर सारा बनवाया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे खंडित मंदिर माप सब ये सब लिखा गया है। बकरी बच्चे का जीवन, और ये भैया हैं जो कि यहाँ पे रहते हैं और देखते उठते हैं। तो दोस्तों जरा एक नजर इधर डालिए, देखिए कितने सारे बच्चे हैं, कितने सारे एंजॉय कर रहे हैं ये लोग झूले का, जो कि मिकी माउस है। तो कूद के ये लोग पका रहे हैं सबको, और फिर ऐसा क्या मेला है, एंजॉय करना चाहिए, अच्छी बात है, ये लोग करते रहेंगे एंजॉय। और काफी सारे झूले भी आए हैं, आपने देख लिया है, तो सब लोग ऐसे इंजॉय करते रहते हैं। साइड हमारी आती है ट्रेन, जो कि कह सकते हैं डायग्राम, तो भाई डायग्राम से बच के रहना है। चाइना से क्या चाइनीज माल ज्यादा देरी कितना नहीं है, वी आर गोइंग टू टेक अ जैन व्हील राइड।
हम लोग ऊपर जाने वाले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें थोड़ी देर में ये सज्जन जो हमारे साथ जाएंगे हम दोनों। तो फ्रेंड फाइनली आई हैव टेकन अ सीट नाउ विद हिम। बढ़िया है ना, मेले का नजारा दिख रहा है। यू कैन सी बाय हियर नाउ, देख रहे हैं सब लोग खाली हैं। उस टाइप देख लीजिए, लकड़ी उकड़ी वहां से बेची जाती है एक उस तरफ में, और फिर वहां अंदर तो सामान मिलते हैं, और इस तरफ भी लकड़ी उगड़ी आपको सस्ता सस्ता देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स कुछ नए फ्रेंड्स हमारी कंपनी ज्वाइन कर ली है, वी आर गोइंग टू जस्ट मीट देम राइट नाउ, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स देम एंड आफ्टर रीचिंग वी विल मीट देयर। वी आर हियर, से चीज दोस्तों, अभी सिंक का टाइम है एंड वी आर गोइंग टू राइड इट राइट नाउ। अभी देख रहे थे ये हम लोग हैं, हम दोनों कुंवर, इनको आप ऑलरेडी लो ये लो तो फ्रेंड्स सब लोग फास्ट फूड यहाँ पे ले रहे हैं, देखिए आप चाउमीन खा रहे हैं ये, और इसने तो अपना खत्म कर दिया, मैंने भी खत्म कर दिया, और इस साइड आप देखिए ये सौरभ ये भी उड़ा रहे हैं, और ये कुमार रे तगड़ा पोज दिया इनने।